शायद पिछले महीने से अगर मराठी में किस फिल्म की ज़्यादा से ज़्यादा हाइप बनी हो तो शायद नवरा माझा नवसाचा 2 ये मूवी यकीनन हो सकती है। ये फिल्म फैमिली एंटरटेनर है तो इस फिल्म को पहले ही दिन बम्पर ओपनिंग मिली है। ऐसे में ये फिल्म कैसी है इस सब की आपको उत्सुकता जरूर होगी। या इस फिल्म को क्यों देखना चाहिए ये यहाँ पे सर्वप्रथम प्रश्न उठ कर आता है। सचिन पिलगांवकर, स्वप्निल जोशी और सुप्रिया पिलगांवकर जैसे सुपरस्टार कलाकार, महाराष्ट्र भूषण अशोक सराफ जैसे दिग्गज नट, सिद्धार्थ जाधव, वैभव मांगले और हरीश दुधाड़े जैसे अपने अपने कैरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा न्याय देने वाले ऐसे हर हुनरी कलाकार होने के बाद इस फिल्म को कोई ना कैसे कह सकता। नवरा माझा नवसाचा 2 में नवरा माझा नवसाचा इस मूवी की जैसे ही एक नवस की कहानी दिखाई गई है, लेकिन इस बार की ट्रेवलिंग एसटी से नहीं कोकण रेलवे से देखने को मिल रही है। रेलवे के प्रवास में आने वाला फन फिर से इस फिल्म के द्वारा हमें महसूस करने को मिलने वाला है। कॉमन मराठी फैमिलीज को जिस प्रकार की फिल्म की जरूरत थी, जिस हल्की फुल्की कॉमेडी से कॉमेडी मैन खुश होता था, उसी जानवरों को इस फिल्म में फिर से महसूस कराया गया है। ओवरऑल ये फिल्म पूरी फैमिली एंटरटेन टाइप की फिल्म है। इसके बावजूद भी अगर पहले वाली फिल्म और इस फिल्म में कंपैरिजन की बात आ गई तो हर एक फिल्म के अपने अपने मायने होते हैं, वो उस समय के हिसाब से लोगों को पसंद भी आती है, तो ज्यादा कंपैरिजन के चक्कर में ना पड़ते हुए इस फिल्म को और भी ज्यादा एंजॉय करते हैं। साल 2005 में सचिन पिलगांवकर ने नवरा माझा नवसाचा ये मूवी बनाई थी और वो फिल्म स्टोरी, पंचलाइन और अतरंगी कैरेक्टर के कारण लोगों को खूब ज्यादा पसंद आ गई थी। लगभग 19 साल बाद नई जनरेशन उस कहानी को और भी आगे ले जा रही है। जो मजा, जो फन हमें नवरा माझा नवसाचा इस पहली वाली फिल्म में देखने को मिला था, उसको उसी कॉमेडी के स्टाइल में नवरा माझा नवसाचा 2 में फिर से रिक्रिएट किया गया है। नवरा माझा नवसाचा 2 को अपनी कॉमेडी की कुछ फ्लॉ है, लेकिन कहीं कहीं पे रिपीटेटिव जोक होने के कारण वो हंसने का मजा थोड़ा सा लूज होता हो जाता है। अतरंगी कैरेक्टर को जिस तरह से सिचुएशनल कॉमेडी बनाने के लिए इंट्रोड्यूस किया जाता है वो बढ़िया तरीके से धमाल उठा कर जाते हैं। पहली वाली फिल्म में वेंकी और भक्ति अपने पिताजी द्वारा की गई नवस को पूरा करने के लिए गणपतपुरी जाते हैं ऐसा दिखाया गया था, और वो पूरा करने के बाद में उनके जीवन में भगवान की कृपा बरसने लगती है। लेकिन इमीजिएट उसी समय पे भक्ति भी अपने आगे के जीवन के लिए एक नवस बोल जाती है। उनकी बेटी अपने प्यार के बारे में उनसे बात करती है, तब भक्ति को भी ये एहसास होता है कि ये जवाबदारी उनके कंधे देने का समय आ गया है। लेकिन घटनाएं हमने जैसी तय की है कहां आगे बढ़ती है। श्रद्धा का पति लंबोदर जो स्वप्निल जोशी ने किरदार निभाया है वो पूरी तरह से नास्तिक है, तो यहाँ पे श्रद्धा भी गणपतपुर के भगवान से लंबोदर के लिए नवस बोल जाती है। तो वो क्या नवस है, क्या लंबोदर उसे पूरा कर पाएगा। नवरा माझा नवसाचा 2 ये पूरी तरह से क्लीन और सिंपल टाइप की कॉमेडी है, जिसे अब तक सचिन पिलगांवकर, अशोक सराफ और लक्ष्मीकांत बेर्डे अब तक महाराष्ट्र के कलाकारों को दिखाते आए हैं। हंस-हंस के लोटपोट करने वाली कॉमेडी, फनी पंच लाइन और ब्रिलियंट से जोक आपको पूरा पैकेज फैमिली एंटरटेन का वादा कर जाते हैं। जिन्होंने पहली फिल्म को थिएटर में देखा है उनके लिए तो ओवर जॉयड जर्नी होने वाली है। फिल्म में कुछ कंफ्यूजिंग सीन है जिसके कोई भी लॉजिकल सेंस नहीं बनते हैं। सिद्धार्थ यादव का पॉलिटिशियन आपको कुछ ज्यादा ही स्टेरियोटाइप लगता है, तो दूसरी बाजू में एक चाइनीज मैन भी दिखता है जिसकी आइडेंटिटी क्लाइमेक्स में रिवील की जाती है। नवरा माझा नवसाचा इसकी अगर बिगेस्ट सरप्राइज क्या है तो उसकी रिपीटेटिव कास्ट है। सुप्रिया पिलगांवकर का स्क्रीन प्रेजेंस बढ़िया है, तो हेमल भी अभिनय में कहां पीछे पड़ती है। सचिन और स्वप्निल के अभिनय को तो पूरा महाराष्ट्र दिखता है, शायद ही कोई एक ऐसा हो जो इन्हें पसंद और पहचानता ना हो। दोनों भी जैसे कि अभिनय की चलती बोलती पाठशाला है। वही भी दूसरे बाजू में वैभव मांगले, हरीश दुधांडे, सिद्धार्थ जाधव, अशोक सराफ अपने अभिनय में कोई भी कसर बाकी नहीं छोड़ते हैं। ओवरऑल पूरे रिव्यू को अगर शॉर्ट में बताया जाए, नवरा माझा नवसाचा ये मूवी डेस्टिनेशन के साथ साथ सफर का भी मजा लेने का बहुत ही बढ़िया उपदेश देती है। ये आपको पूरी तरह से परफेक्ट फैमिली एंटरटेनमेंट फिल्म है जो इस वीकेंड को आपको जरूर ट्राई करनी चाहिए। बाकी दोस्तों, फिल्म को एंजॉय करने के चक्कर में कोई लॉजिकल सेंस ना ढूंढे तो ही बेहतर हो सकता है। अगर आपने सचिन पिलगांवकर की पुरानी वाली फिल्में देखी है या हाल ही की नवरा माझा नवसाचा 2 इस फ्रेंचाइजी की पहली वाली फिल्म देखी है तो इस फिल्म को आपको जरूर एक बार देखना चाहिए। बाकी नवरा माझा नवसाचा 2 ये मूवी आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। मेरा ये रिव्यू अच्छा लगे तो लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में और एक नए रिव्यू के साथ में और एक नई फिल्म के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।